गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि धान में हम कौन सा हर्बिसाइड प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कई मैसेज मुझे यूट्यूब पर मिले कि हम कौन सा हर्बिसाइड धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस न्यू दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह सर को सुनते हैं। उन्होंने क्या बताया कि धान में हम हर्बिसाइड कौन सा प्रयोग कर सकते हैं और कौन सी वैरायटी में इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। धान की जो दो नई प्रजातियां हम लोगों ने विकसित की हैं, पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979, ये दोनों किस्में हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्में हैं, यानी कि खरपतवार नाशी दवाओं की प्रतिरोधी क्षमता है। और कौन सा खरपतवार नाशी है, इसके बारे में मैंने पहले कई बार चर्चा की है। एक दवा आती है इमीजा थापेर के नाम से, 10% SL इसका कंसंट्रेशन होता है। इस दवा के लिए इन दोनों प्रजातियों में रोधी क्षमता है।